हरियाणा से है, जहां हिसार जेल में जलेबी बाबा की मौत हो गई है। जेल में उनकी तबियत बिगड़ी, पीजीआई में भर्ती कराया गया था। पीजीआई में जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। हिसार जेल में जलेबी बाबा की मौत हो गई, पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। 14 साल से जेल की सजा काट रहा था जलेबी बाबा। जलेबी बाबा ने 120 महिलाओं से रेप किया था। जेल में कई दिनों से बीमार था जलेबी बाबा। जलेबी बाबा का असली नाम बिल्लू राम था, संगीन आरोप थे। दोषी सिद्ध हुआ था, जिसके बाद जेल की सजा काट रहा था। हरियाणा के हिसार जेल में बंद था जलेबी बाबा, कई दिनों से बीमार था। पीजीआई में भर्ती कराया गया। जेल में पहले तबियत बिगड़ी, उसके बाद उसे पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन जांच में मृत पाया गया जलेबी बाबा। 14 साल से वो जेल में बंद था, सजा काट रहा था। 120 महिलाओं से उसने रेप किया था। जेल में कई दिनों से उसकी तबियत खराब थी। हरियाणा की हिसार जेल में जलेबी बाबा की मौत हो गई है, पोस्टमार्टम भी करा लिया गया है। 1984 में ये मानसा से टोहाना पहुंचा, जलेबी की इसने रेहड़ी लगाई और 20 साल पहले इसने मंदिर भी बनाया। तंत्र मंत्र से लोगों का इलाज शुरू किया। महिलाओं को नशे की गोली खिलाकर ये महिलाओं से रेप करता था। 120 महिलाओं से रेप किया गया। 1984 में ये अपने गलत मंसूबे लेकर यहाँ पहुंचा था और 20 साल पहले इसने मंदिर बनवाया था। तंत्र मंत्र से इलाज करने के बहाने मरीजों के साथ खिलवाड़ करता था, महिलाओं को नशे की गोलियां खिलाकर उनसे रेप करता था। जलेबी बाबा की मौत हो गई है, हिसार जेल में बंद था, कई दिनों से तबियत खराब थी। पीजीआई रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हरियाणा की जेल में जलेबी बाबा की मौत हुई है। जलेबी बाबा, जिसने 120 महिलाओं से रेप किया था, नशीली गोलियां खिलाई थी, तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करता था, 20 साल पहले इसने मंदिर भी बनवाया था, उसी मंदिर में महिलाओं को ये दवाइयां देता था, इलाज के बदले उनका रेप करता था। 14 साल से जेल में बंद था जलेबी बाबा, कई दिनों से तबियत खराब थी। पीजीआई उसे रेफर किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच में मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा लिया गया है। संवाददाता कुलदीप सिंह हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, 120 महिलाओं से रेप करने का आरोपी जलेबी बाबा, जिसकी जेल में बीमार होने की वजह से मौत हो गई है, क्या और जानकारी मिल रही है जलेबी बाबा के बारे में, जरा बताइए। बिल्कुल, ये जो जलेबी बाबा, इसका पूरा नाम है बिल्लू उर्फ उमर परी, और पंजाब के मानसा जिले का रहने वाला था। इसके बाद ये टोहाना, फतेहाबाद जिले के टोहाना में रहने आया। वहां इसने ये तंत्र मंत्र और बाबा बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू किया। उसके बाद जब इसके पास भक्त आने लगे तो इसने ये घिनौना काम शुरू कर दिया। महिलाओं को जो है चाय में अफीम व अन्य नशे डालकर जो है ये बाबा पिलाता था, और फिर उनके साथ जो है जबरदस्ती संबंध बनाता था, और उसकी एक बकायदा वीडियो भी ये बनाता था। जब एक महिला ने 2017 में इस बाबा की शिकायत की तो पुलिस ने पूरी जांच की, और जब पुलिस पूरी जांच के लिए इसके आश्रम गई तो वहां से इसके मोबाइल से करीब 120 महिलाओं की वीडियो मिली है, और तमाम जो और नशीले पदार्थ हैं, चाहे VCR है, CCTV फुटेज है, वो सारी पुलिस ने कब्जे में उस वक्त ली थी। और उस 120 महिलाओं में से कुछ ही महिलाएं थी जो सामने आकर इसकी शिकायत कर रही थी, लेकिन कुछ महिलाएं जो है सामाजिक डर से सामने भी नहीं आई। लेकिन 120 वीडियो ये जब लगभग पुलिस को बरामद हुई थी उसके फोन से, और तब पूरी कोर्ट में केस चला, पुलिस को जो है सजा सुनाई गई थी।
जी, और उसके बाद हिसार की जो सेंट्रल जेल है उसमें ये बंद था, और कुछ दिन पहले जो है तबीयत बिगड़ने पर इसको अग्रोहा पीजीआई लेकर जाया गया था, जहां दो से तीन दिन उसको वहां रखा गया और ठीक होने के बाद जो है वापस जेल भेजा गया था। और लेकिन कल अचानक फिर इसकी तबीयत बिगड़ी और जब अग्रोहा पीजीआई लेकर जाया गया तो वहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने जो है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर जो है शव रखवा दिया है। जी कुलदीप, ये भी बताइए कि क्योंकि 14 साल से जेल में बंद था, अचानक कई दिनों से तबीयत बिगड़ गई थी, आखिर क्या बीमारी थी? देखिए, बीमारी को लेकर अभी तक स्पष्ट रूप से पीजीआई की तरफ से नहीं कहा गया है कि किस तरीके की बीमारी थी, लेकिन उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ और इस तरह की सीने में दर्द की बीमारी लगातार की शिकायत लगातार की जा रही थी, क्योंकि पहले से ही जब कोर्ट सजा सुना रहा था तब उसने कहा था कि मैं जो है शुगर का मरीज हूं और जो है हार्ट में की तकलीफ रहती है, इसके अलावा मोतियाबंद उसे है, आंखों में दिखने में कमजोरी थी, तो ऐसी तमाम दुहाई उसकी तरफ से जज के सामने दी गई थी। लेकिन जज ने ये कमेंट करते हुए कहा था कि जिन नाबालिग बच्चियों के साथ आपने ये घिनौना कृत्य किया है वो इस तरीके से उनके लिए बहुत बड़ी ये समस्या है, तो इस तरीके के कमेंट कोर्ट ने किए थे और सजा जो